खबर इटावा जनपद से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, साल 2016 से पूरे प्रदेश में इस गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। नागालैंड परिवहन विभाग में फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर और वहां से एनओसी जारी कर वाहनों को यूपी के कई जिलों में चोरी के वाहनों को असली वाहन बना रजिस्टर किया जाता है। 41 ऐसे वाहनों को पकड़ा गया है जो पूर्वोत्तर राज्यों से चोरी के वाहनों को एआरटीओ से मिलकर असली बना संचालित करते थे। एक अनुमान के मुताबिक पूरे प्रदेश में करीब 10,000 ऐसे वाहन संचालित हैं जो चोरी के हो सकते हैं। 3 को किया गया है गिरफ्तार। इटावा औरैया में तैनात रहे तत्कालीन एआरटीओ की भूमिका ऑटो फ्रॉड गैंग में मानी गई है। इनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। करीब 7.5 करोड़ के वाहन पकड़े गए हैं। ऑटो फ्रॉड गैंग का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एडीजी ने 1 लाख, आईजी ने 50,000 और 25,000, एसएसपी इटावा ने दिया इनाम। देखिए, टावा पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा गुडवर्क किया गया है, जिसमें स्वाट प्रभारी और इंस्पेक्टर सिविल लाइंस के मेन भूमिका इन लोगों की थी। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा 3 एडिशनल एसपीज के पर्यवेक्षण में 6 टीमों का गठन किया गया था, जिन लोगों ने पूर्व की एफआईआर जो हमारे यहाँ ट्रैक्टर फ्रॉड की हुई थी उसकी विवेचना को आगे बढ़ाते हुए आज 41 वाहनों का, जिसमें से 30 ट्रक हैं, उनकी रिकवरी करी है। 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं और बाकी 7-8 व्यक्ति हैं, जिसमें से कुछ एआरटीओज हैं। 2016 में औरैया में पोस्टेड एआरटीओ, वहां के कर्मचारी, इटावा के कुछ समय के एआरटीओ व कर्मचारी और बहुत सारे दलाल जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। 7 से 8 करोड़ के बीच की यह रिकवरी है। इस टीम को एडीजी कानपुर जोन द्वारा 1 लाख रुपए, आईजी कानपुर रेंज द्वारा 50,000 रुपए तथा मेरे द्वारा 25,000 रुपए, कुल 1,75,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। एवं डीजीपी महोदय द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि इसमें टीम को उत्साहवर्धन हेतु, क्योंकि बहुत अच्छा गुडवर्क है, उनको उचित इनाम दिया जाएगा। ये समस्त टीमें हैं, इनको भी डीजी कमेंडेशन डिस्क के लिए और अन्य मेडल्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन इसमें जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो गैंग है, इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये फर्जी तरीके से चोरी और लूट की जो गाड़ियां होती हैं उनको, जैसे कोई गाड़ी दिल्ली से चोरी हुई, कोई रायपुर से चोरी हुई, कोई औरैया से हुई, इन सब गाड़ियों के चेसिस नंबर को ये बदल के पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे कि नागालैंड और मणिपुर इसमें रजिस्टर कर दिया करते थे, वहां पर फ्रॉड करके वहां के अधिकारियों के मिलीभगत से, और फिर यूपी में किसी एआरटीओ की मिलीभगत से उसकी ट्रांसफर एनओसी जारी कर दिया करते थे, ताकि जो फ्रॉड और फर्जी जो ट्रक हैं, चोरी और लूट के जो ट्रक हैं, उनको हम लोग यदि कोई पुलिस की टीम या कोई और भी इन्फोर्समेंट की टीम जांच करे तो उसे असली पाया जाए। तो ऐसे गैंग का खुलासा हम लोगों ने किया है, इसमें कई और लोग सामने आ रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र हमारे द्वारा की जाएगी। और यह जो कार्य है बहुत अच्छा कार्य किया गया है, इसमें इटावा में जितने भी दलाल सक्रिय थे पूर्व में, उनकी हम लोगों ने पूर्व में ही गिरफ्तारी कर ली है। एक और ट्रैक्टर फ्रॉड का नेटवर्क था, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। इसके अतिरिक्त भी जो भी चीज इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी, धीरे धीरे पड़ते इसकी खुलती जाएंगी, आपके सामने इसको रख दिया जाएगा, और भी इसमें काफी लोगों की गिरफ्तारी होनी शेष है। क्या नागालैंड की गाड़ियां यहां रजिस्टर करते थे? देखिए, गाड़ी दिल्ली से चोरी है और यूपी के से चोरी है, मध्य प्रदेश से चोरी है, उस गाड़ी को वो पूर्वोत्तर के राज्य में किसी अधिकारी से सेटिंग करके उसे नागालैंड नंबर के रूप में रजिस्टर कर दिया करते थे। गाड़ी यूपी की होगी, दिल्ली की होगी, कहीं और की होगी, फिर नागालैंड में एक बार रजिस्टर हो गई गलत तरीके से, उसका ट्रांसफर एनओसी दिया जाता है यूपी में एआरटीओ द्वारा। तो उसमें एआरटीओ की जिम्मेदारी होती है कि उसकी वो जांच करे, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही उसमें दिया जाता है। और हम लोगों ने क्योंकि तुरंत ही उसको वेरीफाई कर लिया कि ये वो गाड़ी टाटा के द्वारा, अशोक लीलैंड के द्वारा, महिंद्रा के द्वारा बनाई ही नहीं गई है तथा इंजन चेसिस नंबर सब फर्जी हैं, उनका एक दिन के अंदर ही सभी गाड़ियों का इन लोगों ने ट्रांसफर एनओसी कुछ एआरटीओ द्वारा जारी कर दिया गया है। उसमें वो लोग भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत